हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो आज मैं बनाऊंगी व्रत की बहुत ही सिंपल थाली, जिसे कम ऑयल में भी बनाएंगे। चावल के आटे से रोटी और साथ में आलू की सब्जी और विद रायते के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूं। और जब सपोर्ट मिलता है थोड़ी हिम्मत मिलती है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और तो चलिए शुरू करते हैं फिर बनाना। सबसे पहले हम चावल की रोटी के आटे की तैयारी करेंगे। तो हमने ले लिया कढ़ाई, इसमें डाल रही हूँ मैं आधा गिलास जितना मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा इस तरीके से मिक्स करती जाऊंगी। तो फ्रेंड, मैं व्रत का खाना बना रही हूँ तो ये मैं चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको हम इसका डोर बनाकर एक तैयार करेंगे। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं ये ठीक होना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने इसमें पानी बिल्कुल हिसाब से डाला था। मैंने अगर आधी कटोरी, एक कटोरी अगर मैंने आटा लिया तो एक कटोरी ही मैंने इसमें पानी इस्तेमाल किया था। और अब देख सकते हैं, इसको मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसे थोड़ा सा ठंडा होने दूँ। तो जब तक ये हमारा आटा ठंडा होता है, चावल का आटा, तो जितने में ठंडा आएगा इतने में हम अपनी सब्जी और अपना रायता बनाकर करेंगे तैयार। तो हमने कढ़ाई ले लिया है, मैं इसमें डालूंगी ऑयल और इसमें बनाएंगे हम सबसे पहले आलू की सब्जी। तो आप देख सकते हैं जो हमारा तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब उसमें डालेंगे हम जीरा आधी चम्मच, साथ ही में मैं दो टमाटर ले रही हूँ जिसको मैंने इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया था, और ये दो है मीडियम साइज के टमाटर, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। फर्स्ट में इसमें हींग ऐड कर दूँ ताकि जो हमारी आलू है वो डाइजेस्ट हो जाए, और जैसे गैस वगैरह नहीं बनाए इसलिए मैंने इसमें हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें आधी चम्मच इतनी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, आधी चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, और इसको सभी सामानों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें दो चम्मच जितना मैं दही ऐड करूंगी। दही से जो हमारी सब्जी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो मैंने इसमें दो चम्मच जितना दही ऐड कर दिया, और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। तो फ्रेंड, दही मैं अपना घर का फ्रेश जो दही होता है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। कोशिश कीजिएगा कि आप भी फ्रेश दही का इस्तेमाल करें, तो उससे सब्जी हमारी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो जो हमारा दही है वो फट जाएगा, तो इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे इसको अच्छे से। तो आप देख सकते हैं जो हमारा मसाला कितना बढ़िया भूनकर तैयार हो चुका है, और जो हमारा दही है वो भी बढ़िया से भून चुका है। तो हम इसमें डालेंगे आलू। तो आलू मैंने लिए हैं चार मीडियम साइज के आलू, और ग्राम में देखा जाए तो ये 300 ग्राम के लगभग ये आलू है। तो ये मैंने इसमें कढ़ाई में ऐड कर लिया, और इनको भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लूंगी। अब मैंने इसे हाथ से ही मोटा मोटा मैश कर लिया था। आप चाहे तो इसे चक्कू से भी काट सकते हैं, या हाथ से ही कर लिएगा तो इससे जो हमारी तो ग्रेवी है वो थोड़ी थिक बनेगी, इसलिए मैंने इसको हाथ से कर लिया था। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। अब मैं इसमें एक गिलास जितना पानी डाल रही हूँ। आपको जितना पतला या मतलब ज्यादा तरी वाली खानी उस हिसाब से आप बना सकते हैं, बट मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट सब्जी बनकर तैयार है। तो मैं इसको इसमें बॉयल आने दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी थोड़ी सी तरी ठीक करनी है तरी को, तो आप इसको इस तरीके से आलू को इसमें इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारी तरी है थोड़ी सी जो ग्रेवी की तरह हमारी जो तरी बनकर तैयार हो। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी कितनी बढ़िया कलर आ रहा है, और दिखने में अच्छी है तो खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं हमारी सब्जी में बॉयल आ गया। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा फ्लेवर के लिए गर्म मसाला, साथ ही में मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा हरे धनिया की पत्तियां, और गैस की फ्लेम को कर दूंगी ऑफ, और हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलिए बनाते हैं अपना रायता। तो अब मैंने लिया एक घिया, तो मैं इसका बनाऊंगी अब रायता। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर लूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा ही बनाना है, तो मैं इसलिए आधे घी का ही रायता बनाऊंगी। इसको हम पील कर लेंगे अब, और एक साइड में मैंने रख दिया पानी बॉयल होने के लिए। जब तक हम अपने घिया को ग्रेट करेंगे, जब तक हमारा पानी बॉयल आ जाएगा। तो हमने अपने घिया को अच्छे से पील करके इसको अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेट में जो नॉर्मल साइज है वहीं से कर रही हूँ, तो इसको अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। तो हमने कर लिया है ग्रेट, और हमारा पानी भी हो चुका है बॉयल। तो अब हमने ग्रेट करे हुए जो घिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो हम इसे 2 से 3 मिनट ही बॉयल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेट किया हुआ है, तो ये ज्यादा टाइम लगाता भी नहीं है उबलने में। तो इसे 2 से 3 मिनट ही इसे बॉयल करेंगे, उसे भी स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो चलिए जी, 2 से 3 मिनट में हमारी जो घिया है वो अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो मैंने स्ट्रेन कर लिया है, और आप देख सकते हैं मैंने इसका हल्का सा पानी भी निचोड़ दिया था, और मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया ताकि जो हमारा घिया है जल्दी से ठंडा हो जाए। तो अब मैंने लिया है एक बाउल में दही, और दही में मैंने अभी पानी मिक्स नहीं किया है, क्योंकि जो हमारे
वो सॉरी घी है वो भी पानी छोड़ता है इसीलिए। तो अब मैं घी सॉरी दही में ऐड करूंगी अपने थोड़े से कुछ मसाले। तो मैं इसमें काला नमक ऐड करूंगी, साथ ही मैं इसमें जीरा पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें सादा नमक इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें काली मिर्च दर्दी कुटी हुई वो ऐड कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपना घी, इसको भी अच्छे से कर लेंगे इसमें मिक्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा थिक लगता है तो उसमें पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसमें हल्का सा पानी डालूंगी, ज्यादा डालूंगी क्योंकि जो हमारा घी है वो भी थोड़ा सा पानी छोड़ेगा इसीलिए। तो बस मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच जितना पानी इसमें ऐड किया है आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इसमें तड़का लगा सकते हैं, बट मैं इसमें तड़का नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये वैसे ही बहुत अच्छा बना है रायता। और साथ ही में भी थोड़े से हरी धनिया की पत्तियां इसमें ऐड कर दूंगी। और क्योंकि मैं व्रत का खाना कम ऑयल में बना रही हूँ क्योंकि गर्मी भी बहुत है जैसा कि आप सभी को पता है। और मैंने तेल थोड़ा सब्जी में इस्तेमाल कर लिया और मैं व्रत की थाली थोड़ा कम तेल में इस्तेमाल करना चाहती थी इसलिए मैं इसको अवॉइड कर दिया। मैंने तड़का आप चाहे तो इसमें लगा सकते हैं, बट ये बिना तड़के के बहुत स्वाद रायता बनकर तैयार होता है तो इसलिए मैंने इसे अवॉइड कर दिया। तो हमारा रायता ही बनकर बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बनाते हैं अपनी रोटी। तो आप देख सकते हैं जो हमारा चावल आटा है ये ठंडा हो चुका है। तो चलिए बनाते हैं इसकी रोटियां। तो मैंने ले ली चावल के आटे की छोटी सी लोई। और फ्रेंड्स ये व्रत वाला चावल का आटा है तो मैंने वही उसी आटे की मैं रोटी बना रही हूँ। और इसको मैं हल्का सा इसमें आटा लगा लूंगी चावल का ताकि जो हमारी बेलते टाइम जो हमारी रोटी है सॉरी आटा है वो चिपके नहीं। तो मैंने हल्का सा आटा लगा लिया है, इसको हल्के हाथ से प्रेस करके मैं इसे बेल लूंगी। तो मैंने इसे बेल लिया है, अब हम इसे तवे पे सेक लेंगे। और इसी तरीके से जो हम अपनी सारी रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे। इसको हमने पलट दिया है। तो फ्रेंड्स इसका जो कलर है ये व्हाइट ही रहता है क्योंकि चावल के आटे की है, इसीलिए नॉर्मल आटे की होती तो थोड़ा इसने कलर छोड़ती, बट ये चावल के आटे की तो इसी तरीके से बनेगी। और इसको हम इस तरीके से सेक लेंगे, अब हम इसे पलट लेंगे और पीछे से भी अच्छे से इसको सेकने देंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारी रोटी है वो फूल रही है, हम इसे इस तरीके से इसको फुला लेंगे। और जो हमारी रोटी बढ़िया से फूल चुकी है और अब दिखाती हूँ मैं आपको, और ये सेक भी बढ़िया गई है। और हम इसी तरीके से अपनी सारी रोटियों को सेक कर तैयार करेंगे। तो चलिए पहले सर्व करते हैं अपनी सारी जो अपनी थाली हमने तैयार की है। तो बनकर बिल्कुल रेडी हमारी सिंपल और इजी हमारी व्रत की थाली कम तेल की। तो वीडियो आज की कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।